हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मदन कटकटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ है 600 ग्राम मैदा जिसको मैंने छलनी से साफ करके रखे हैं। दोस्तों, ये 100 ग्राम रिफाइंड तेल है और थोड़ा कलौंजी, थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी। तो चलिए पहले हम इसमें सारा सामग्री डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, अब इसे तेल दे देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ऐसे मुट्ठी कीजिए, अगर मुट्ठी बन गया तो ये परफेक्ट है। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे और ये नॉर्मल पानी है। दोस्तों, हमने डो लगा लिया। देखिए डो का कंसिस्टेंस और ये नचीलापन देखिए इसका। ऐसे आपको 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट या 10 मिनट छोड़ेंगे तो ये और थोड़ा नरम हो जाएगा। दोस्तों, रेस्ट हो गया। अब इसको बनाएंगे हम छोटा छोटा। दोस्तों, पेड़ा बना लिया। अब हम इसको बेलेंगे। दोस्तों, इस तरह से चाकू से आप इसको लंबे लंबे कट कीजिए। दोस्तों, फिर आप इस तरीके से कट करिए। दोस्तों, हमने कट कर लिया। अब इसको उठाकर तेल में फ्राई करेंगे। दोस्तों, कढ़ाई में तेल है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे। ये रिफाइंड तेल है, हम इसे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम में हमें पकाना है। दोस्तों, अब इसे निकालेंगे। ये हो चुका है। दोस्तों, हमने सारा कटकटी को फ्राई कर लिया। अब इसे निकालेंगे, गैस को कर देंगे बंद। दोस्तों, हमारा मदन कटकटी बनके है रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। और इसे एयर कंटेनर डिब्बे में रखिए। 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। 1 महीने तक के आप खा सकते हैं। तो बाय बाय।